सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। तो अभी हम लोग रिवाइज करेंगे क्लास 12 इंग्लिश कोर का मॉडल पेपर, ठीक है, मॉडल क्वेश्चन पेपर को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, वेयर इज़ द सैल्यूटेशन प्लेस्ड इन अ नोटिस। ठीक है, ये जो सैल्यूटेशन है ये नोटिस में कहाँ लिखा जाता है। तो हम सभी जानते हैं देयर इज़ नो नीड टू राइट सैल्यूटेशन इन अ नोटिस। नोटिस में सैल्यूटेशन को लिखने का कोई ज़रूरत नहीं होता है, यानी कि नोटिस में हम लोग सिर्फ किसी को कुछ इन्फॉर्म करने के लिए बताते हैं, है ना, ना कि किसी का अभिवादन करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन टू है, नोटिस इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस कंटेन सर्टेन अनाउंसमेंट फॉर। ये किसके लिए होता है? ये होता है स्टूडेंट्स के लिए, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री है, लेटर्स टू द एडिटर आर रिटर्न फॉर। ठीक है, ये किस लिए लिखा जाता है? न्यूज़पेपर के लिए, तो ऑप्शन ए जो है ये हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए, और हमारा जो ग्रामर पोर्शन था ऑब्जेक्टिव का, ये हमारा यहीं तक था, ठीक है, उसके बाद भी है जो कि सब्जेक्टिव में है, और यहाँ से क्वेश्चन नंबर फोर से हम लोग का स्टार्ट होता है टेक्स्ट बुक। ठीक है, यानी कि बुक पार्ट शुरू होता है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। हमारा सबसे पहला तो नहीं, क्वेश्चन नंबर फोर है, ठीक है, व्हाट इज़ द सेटिंग ऑफ द लास्ट लेसन। ये जो चैप्टर है इसका सेटिंग कब का है? तो इसका सेटिंग है द फ्रेंको प्रोसियन वॉर, यानी कि जब फ्रांस और प्रोसिया के बीच में युद्ध चल रहा था तब का ये जो कहानी है इसको बताया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन फाइव है, विच कंट्री डिड फ्रांस बिलोंग टू। फ्रांस किस कंट्री से बिलोंग करता था? तो हम सभी अच्छे से जानते हैं कि फ्रांस जो है फ्रांस का रहने वाला था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, इज योर स्कूल रेडी, हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन। क्या आपका स्कूल तैयार हो गया? ये क्वेश्चन कौन पूछा था? तो ये क्वेश्चन पूछा था साहेब, किससे पूछा था? लेखिका से पूछा था। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी जो है ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेवन है, द रैग पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव। ये जो रैग पिकर्स होते हैं, कचरा चुनने वाले जो बच्चे या फिर लोग होते हैं, ठीक है, इनके पास किसी तरह का कोई आइडेंटिटी या पहचान पत्र नहीं होता है, लेकिन इनके पास क्या होता है? तो इनके पास होते हैं राशन कार्ड्स, जिसके जरिए ये लोग दो वक्त की रोटी अपने लिए जुटा सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है ये हो जाएगा हमारा करेक्ट। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर एट है, डीप वाटर इज एन एक्सर्प्ट टेकन फ्रॉम। ये जो डीप वाटर है, ठीक है, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। ठीक है, ये विलियम डॉगलेस के ही द्वारा लिखा गया एक बुक है, और उसी से इस डीप वाटर एक्सेप्ट को लिया गया। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन है, व्हाई डिड डॉगलेस हायर एन इंस्ट्रक्टर। जो डॉगलेस है वो एक इंस्ट्रक्टर हायर क्यों करते हैं? विलियम डॉगलेस, टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर एंड टू लर्न स्विमिंग। हम सभी जानते हैं कि उनको पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता था, इस वजह से वो तैरना भी नहीं सीख पाते थे, तो वो इसीलिए एक इंस्ट्रक्टर, एक टीचर को हायर करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन टेन है, व्हाट डिड द ओल्ड मैन ऑफर टू रेड रैप पेडलर। जो चूहेदानी बेचने वाला आदमी था, उसको वो ओल्ड मैन क्या क्या ऑफर करता है जब उसके घर आता है? तो वो उसको ऑफर करता है पॉरिज, यानी कि दलिया और टबैको। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 11 है, व्हाट अमाउंट ऑफ मनी वाज स्टॉलन फ्रॉम क्रॉफ्टर पाउच। जो चूहेदानी विक्रेता था वो उसके उस ओल्ड मैन के पाउच से, ठीक है, उस क्रॉफ्टर के पाउच से कितना पैसा चोरी करके भाग जाता है? तो वो था 30 क्रोनॉर्स। ठीक है, 30 डॉलर्स में मत लगा दीजिएगा, ये रॉन्ग है, 30 क्रोनॉर्स होगा। ठीक है, जो स्वीडन का करेंसी है उस टाइम पे क्रोनॉर्स था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन 12 है, वेयर वॉज द एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी हेल्ड। ये कहाँ हो रहा था? ये हो रहा था लखनऊ में, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन 13 है, पेनकेक वॉज अ ब्रांड नेम ऑफ। पेनकेक जो है वो किस ब्रांड का नेम था? तो वो था मेकअप मटेरियल ब्रांड का नेम। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 14 है, व्हाई वॉज द बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियो। जेमिनी स्टूडियो के बॉस का नाम क्या था? तो उसके बॉस का नाम था मिस्टर वॉसन। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 15, डेनी केसी वाज अ प्लेयर इन द फुटबॉल टीम ऑफ, वो कहाँ का खेलने मतलब कहाँ का प्लेयर था, वो किस देश के लिए खेलता था, तो वो आयरलैंड के लिए खेलता था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन 16 है, सोफी वाज अ यंग गर्ल हु ड्रीम टू बी, सोफी जो है वो एक यंग लड़की है और वो क्या देखती है, किस चीज़ का सपना देखती रहती है, तो सोचती है कभी हम एक मैनेजर बन जाएंगे, कभी सोचती है हम एक एक्ट्रेस बन जाएंगे, कभी सोचती है हम एक फैशन डिज़ाइनर बन जाएंगे। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए यहाँ क्या दिया है, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन, ये जो एक्सट्रैक्ट दिया गया है ना, ठीक है, इसको हम लोग को पढ़ना है और आंसर करना है, तो ये बहुत इजी है। ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माय मदर बिसाइड मी डोज ओपन माउथ हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स एंड रियलाइज्ड विथ पेन, तो ये जो एक्सट्रैक्ट दिया है ना, ये दिया हुआ है माय मदर एट 66 से। ठीक है, तो क्वेश्चन 17 है, द गिवन एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम द पोएम, कहाँ से लिया गया है, तो वो लिया गया है माय मदर एट 66 से, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन 18 है, वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग टू, पोएट जो है वो कहाँ जा रही है ड्राइविंग करके, तो वो जा रही है कोचिन एयरपोर्ट, यानी कि अपने घर से एयरपोर्ट जा रही है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन 19 है, हु आर सिटिंग बिसाइड द पोएट, पोएट के पोएट मतलब जो लेखिका है उनके बगल में कौन बैठी है, उनकी माँ बैठी हुई है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन 20 है, व्हाट टाइप ऑफ वार्स डज द पोएट टॉक अबाउट इन द पोएम कीपिंग क्वाइट, इस पोएम में जो पोएट है वो कैसे कैसे युद्ध के बारे में बता रहे हैं, तो वो हो जाएगा ग्रीन वार्स, वार्स विथ गैस, वार्स विथ फायर। ठीक है, और ऑल ओवर देखा जाए तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 21, होम डिड द इंटेंटेड यूथ एंडीमियन रिसॉल्व टू सिक, जो एंडीमियन है ना वो किस मतलब किसके बारे में, वो किसको ढूंढ रहा है, ठीक है, किसके बारे में इस पोएम में बताया गया है, तो उसका नाम है सिंथिया द मून गॉडेस। ठीक है, मतलब जिसके थ्रू ये पोएम लिखा गया है, शायद वो लोग का ऐसा मान्यता होगा कि एक मून गॉडेस है जिसका नाम है सिंथिया। ठीक है, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है, तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 22, व्हाट आर थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोएम, थिंग्स ऑफ ब्यूटी जो है इस पोएम में किसे किसे कहा गया है, तो वो है हमारा सन एंड मून, यंग ट्रीज एंड स्ट्रीम्स, यानी कि जो नए नए पेड़ पौधे आते हैं, नए नए फूल खिलते हैं, और ऑल ऑफ द अबव, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन 23 है, हु वाज सैम इन द थर्ड लेवल, अब यहाँ से हमारा सेकेंड बुक यानी कि विस्तार शुरू हो गया। ठीक है, हु वाज सैम इन द थर्ड लेवल, तो सैम कौन था, वो एक साइकेट्रिस्ट था और साथ में चार्ली का दोस्त भी था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 है, लेट टाइगर्स बीवेयर, हु सेड दिस, बाघो सावधान हो जाओ, ऐसा कौन बोलता है, ऐसा बोलता है प्रिंस जंग जंग बहादुर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन 25 है, फॉर हाउ मेनी ईयर्स अगो डिड गोंडवाना एग्जिस्ट, ये जो गोंडवाना द्वीप है ये कब एग्जिस्ट करता था, तो ये अस्तित्व में कब था, 650 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, 650 मिलियन ईयर्स अगो, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 26, व्हाट इज द एकेडमिक सोकाल्स्की, ये जो एकेडमिक सोकाल्स्की है ये किसका नाम है, तो ये एक रशियन रिसर्च वेसल था, यानी कि एक रशियन रिसर्च जहाज था। ठीक है, उसी का नाम है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन 27, द वाउंडेड सोल्जर ऑफ द स्टोरी द एनिमी बिलोंग टू, ये जो सोल्जर था ना ये कहाँ का रहने वाला था, मतलब कहाँ से बिलोंग करता था, तो ये यूएस नेवी से बिलोंग करता था। ठीक है, और उस टाइम पे जापान और यूएस का जो आपस में क्या चलता था, दुश्मनी चलता था, तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 28 है, व्हाट डिड मिस्टर लैम ग्रो इन हिज गार्डन, वो अपने गार्डन में क्या उगाते थे, तो एप्पल का गार्डन था, है ना, तो एप्पल उगाते थे, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन 29 है, व्हाई डिड बामा रीच इन 1 आवर इंस्टेड ऑफ 10 मिनट्स, अब देखिए ये जो बामा है, ठीक है, ये 10 मिनट के जगह 1 घंटा लगाती थी वो अपने स्कूल से घर आने के लिए, ऐसा क्यों, तो वो जब रास्ते में जाती थी ना, तो रास्ते में जो मार्केट होता था, तो मार्केट में जो अलग अलग तरह के जो दुकान होते थे, कोई कोई अलग अलग तरह का कर्तव्य दिखाता था, तो मार्केट में उसको बहुत अच्छा लगता था, ठीक है, बहुत इंटरेस्ट आता था, तो वो इसीलिए क्या करती थी ना कि अपने स्कूल से जब वो घर आती थी तो उसको सिर्फ 10 मिनट लगता था, लेकिन वो
पूरा एक घंटा लगाती थी और मार्केट में रुक रुक के आती थी। तो इसका जो आंसर वो हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन 30 है, व्हाई डिड जिटकाला नॉट लाइक टू कट हर हेयर। जिटकाला को उसके हेयर्स को कट करना पसंद क्यों नहीं था, क्योंकि हम सभी जानते हैं उसके लंबे लंबे बाल थे, इसलिए पसंद नहीं था क्योंकि बिकॉज हर मदर हैड टोल्ड हर द मॉर्नर्स एंड कवर्ड्स कीप सच हेयर, यानी कि उसकी माँ कहा करती थी कि जो कायर लोग होते हैं ना वो लोग छोटे छोटे बाल रखते हैं, इसीलिए उसे अपने लंबे बालों को कट करना पसंद नहीं था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। और इसी के साथ हमारा जो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गया है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।